आज मुस्लिम महिलाओं के प्रति अपनी दकियानूसी सोच रखने वाले सपाइयों को यूपी की इस मुस्लिम बेटी ने अपनी काबिलियत से मुंहतोड़ जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है ये हम आपको बाद में बताएंगे, पहले सपाइयों की घटिया मानसिकता को जान लेते हैं। यह है सपा के शफीकुर रहमान बर, जिनका मानना है कि अगर बेटियों को जल्दी शादी के बंधन में नहीं बांधा गया तो वो आवारगी भर जाएगी। जो 18 साल की उम्र काफी थी उनके लिए और वो हमेशा चली आ रही थी और इस वरना इसे ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। ऐसी सोच रखने वाले ये सपा में अकेले नहीं है बल्कि इनके दो साथी और हैं, एसटी हसन और अबू आजमी, जिनको बेटियों को पढ़ाने और उनके करियर बनाने से ज्यादा जरूरी उनकी शादी कराना लगता है। जब डिले होता रहता है शादी को और एक जो फिजियोलॉजिकल नीड है इंसान की वो पूरी नहीं होती तो उसे पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं आवारगी वाला फैक्टर भी सही है। अगर लड़की या लड़के कोई गलत रास्ते पर चले गए, उसकी भूख जो जो फितरी है नेचुरल की तरफ से है, अगर उसकी वजह से कोई गड़बड़ हो गई, कुछ हो गया, तो उसका पाप पूरा का पूरा माँ बाप को मिलेगा। सपाइयों की इसी घटिया मानसिकता को अपनी काबिलियत से जवाब दिया यूपी के मिर्जापुर की सानिया मिर्जा ने, जो भारत की पहली मुस्लिम गर्ल फाइटर पायलट बनने जा रही है। वही ये यूपी की पहली महिला फाइटर पायलट भी होंगी। जाहिर है कि पहली लड़की आ रही है तो मुझे खुशी है और अपने समाज में भी मैं संदेश और अदर भी सभी लड़कियों को संदेश दूंगा, सभी गार्जियंस को, कि वो लोग भी अपनी बच्चियों को पढ़ाएं। अगर मैं कोई चीज़ अचीव करती हूँ तो इट इज़ नॉट सिंगल मी, इट इज़ नॉट ओनली मी, आई एम डूइंग समथिंग फॉर माय गर्ल कम्युनिटी। तो वो जो जब किसी को हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, मेरा भी एक इंस्पिरेशन रहा है और मैं चाहती हूँ कि लोग भी मुझसे इंस्पायर हों, स्पेशली गर्ल को। आप ही सोचिए, इन सपाइयों की तरह अगर सानिया के पिता ने भी बेटियों की शादी को उनकी पढ़ाई से ज्यादा महत्व दिया होता तो क्या आज भारत को इतनी अच्छी और काबिल पायलट मिल पाती? समाजवादी पार्टी महिला विरोधी पार्टी है, जो आज भी उस दकियानूसी सोच में जी रही है जो महिलाओं को दबाने का काम करती है। ये यूपी से जितना दूर रहे उतना प्रदेश के विकास के लिए अच्छा होगा।